रतिया के गांव हमजापुर के पास कल रात को पेट्रोल समाप्त होने पर मोटरसाइकिल के पीछे लगी रेहड़ी को पुलिस कर्मचारियों की सूमो गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में जग्गा सिंह रतिया निवासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। इनमें से एक को गंभीर हालत के चलते अग्रोहा रेफर किया गया। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस भी केस बनाने में आनाकानी करती दिखाई दी और मृतक के परिजनों को किसी प्रकार से कन्विंस करने की कोशिश करती रही। मृतक जग्गा सिंह के साडू ने बताया कि उनका एक रिश्तेदार नाराज होकर घर से चला गया था। उसे लेने के लिए जग्गा सिंह पहुंचे तो फतेहाबाद की ओर जा रहा था। रात को करीब 12 बजे से 1 बजे तक रास्ते में बाइक का तेल खत्म हो जाने पर तीन लोग उसे धक्का देकर आगे ले जा रहे थे। जग्गा सिंह बाइक पर बैठा था। आरोप है कि हमजापुर के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार पुलिस कर्मचारी की सूमो कार ने उनको टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस कर्मचारी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गए। इस हादसे में जग्गा सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोग घायल हो गए। रूस की उसने लेन गए थे हम 5-6 आदमी, और वहाँ तेल मुक गया था। तेल मुक गया, हमने धक्का मारने लग गई। पीछे से पुलिस की गाड़ी आई, उसने जान करके नहीं उसके भीतर मारी। आपके पास कौन सी गाड़ी थी? हमारे पास ही मोटरसाइकिल आ रही रेडिया। हाँ, उसमें क्या हुआ घटना में? कोई घायल भी हुआ? क्या हुआ? एक तो बंदा वहाँ ही मर गया जग्गा, एक किला टूट गई, कई हैं के चोट लगी है। मामला क्या है जी? ये कोई गाड़ी का उसका रेड़े का तेल खत्म हो गया था, ये लगा रहे थे पीछे से उसके धक्का, तो उनकी शराबी हुई थी, उन्होंने जान की गाड़ी ठोक दी इनके अंदर। एक तो वहाँ ही मर गया, और चार जने उन्होंने कर दिए घायल। किसने ठोकी गाड़ी थी? वो ड्राइवर ने ठोकी है। पुलिस वाले थे? हाँ, पुलिस वाले थे। एक था सरदार, एक था मोना, सोमो टोटा गाड़ी है। रात को इनका कोई रिश्तेदार आया हुआ था, वो वहाँ से 11 बजे निकल गया, और उसको ढूंढने के लिए ये अपने रेड़े पे मल चल पड़े। हमजापुर के पास जो राधा स्वामियों का डेरा है, वहाँ पर ये इनका तेल ख़त्म हो गया, और ये पीछे से धक्का लगा के आगे पंप में तेल डलवा लेंगे। और चार लोग थे, जिसमें औरतें थी और दो आदमी थे, एक लड़का था। और एक लड़के की मौत हो गई, जो कि पीछे से गाड़ी आई है, जो एक लड़का पूरी तरह सूरत में है, और उसने मुझे बताया है कि ये मामला है। सुबह मेरे पास 6 बजे फ़ोन आया कि हमारे साथ ये घटना वापरी है, और पीछे से एक पुलिस की गाड़ी जो टाटा सुमो आई है, और उसमें ये भी बताया कि पुलिस वाले एक सरदार था, और एक जो चलाने वाला था वो पगड़ी नहीं थी उसकी, वो सरदार नहीं था, दोनों उतरे हैं। उतरने के बाद उन्होंने 5-6 मिनट देखा है। एक एक्सीडेंट हुआ रात गांव हमजापुर के पास, जो पैदल जा रहे थे, रात का टाइम था, कोई गाड़ी इनको फेंट मार गई, पता नहीं चला कौन सी गाड़ी। अभी तस्दीक कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, पता नहीं चाहिए, पूरी जानकारी नहीं मेरे पास गाड़ी कौन सी, लेकिन डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवा के वारसन के हवाले कर दिया। और एक घायल है जी, हमें ग्रोह में एडमिट हुआ है, अभी उसको उसके बयान लेंगे, फिर अगली कार्रवाई हम। तो इन्होंने कहा कि पुलिस की गाड़ी है वो जो चोट मार के? हाँ जी सर, इनको ऐसा लग रहा है जी, अनपढ़ है, वैसे नंबर देख नहीं पाए, इनको ऐसा लग रहा है जैसे वो पुलिस की गाड़ी हो। हम पूरी तस्दीक कर रहे हैं, कैमरे वगैरह चेक करेंगे जी, जैसे भी कार्रवाई हो हम लेंगे।